वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तरुण पटेल के नेतृत्व में जन भागीदारी मार्च यात्रा निकाली गई। यह यात्रा महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस के दिन से शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 2018 से लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म स्थान मुगल सराय जनपद चंदौली से यात्रा शुरू की गई। यात्रा का यह 88वां दिन है और 52वां जिला फिरोजाबाद है। यात्रा 30 जनवरी 2019 तक महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली जाकर संपन्न होगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलते हुए, कांग्रेस के कार्यक्रमों की बात करते हुए, गांधी और गोडसे के बीच फर्क बताते हुए चल रही है। यह 324वीं मीटिंग है और यह यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। भागीदार मार्च जो हमारे उसके संयोजक और यात्रा के तरुण पटेल जी लेकर चले हैं पूरे प्रदेश में, आज फिरोजाबाद में अभी यहाँ इनका कार्यक्रम मिला और हम लोग वो फौरन ही स्थापना दिवस मनाकर लौटे। यहाँ सुभाषपार चौराहे पर इस यात्रा का जिला व शहर कांग्रेस कमेटी ने हार्दिक स्वागत किया और ये यात्रा का मकसद जो है देश के आम आदमी को उसकी राहुल जी की नीतियाँ और कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में आम जनता को बताई जा रही हैं। इस यात्रा का आज यहाँ फिरोजाबाद स्टे है और कल फिर जोश और खरोश के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। 50वां जन्मवर्ष है और उनके 150वें जन्मवर्ष पर 2 अक्टूबर 2018 से लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म स्थान मुगल सराय जनपद चंदौली से शुरू की गई यात्रा है। यात्रा का ये 88वां दिन है, 88 डेज, 88 दिन से लगातार यात्रा चल रही है। ये 52वां जनपद है फिरोजाबाद, जहां हम लोग पहुंचे हुए हैं। यात्रा 30 जनवरी 2019 तक महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली पे जाके संपन्न होगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, उनके सिद्धांतों की बात करते हुए, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों की बात करते हुए, सच और झूठ की बात करते हुए कि सच की सियासत कौन करता है और झूठ की सियासत कौन करता है, गांधी और गोडसे के बीच फर्क बताते हुए यात्रा निरंतर चल रही है। ये 324वीं मीटिंग है जहाँ पर हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं और ये यात्रा ऐसे ही हर जिले में, शहर में, तहसील में, कस्बे में, बाजार में आम जन से बात करते, आपने देखा होगा यहाँ बहुत कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग नहीं हैं, आम जन से बातचीत करते हुए ये यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे है महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मवर्ष पर, उनके सत्य और अहिंसा की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, खासकर उन नौजवानों में जो कभी कभी कह पड़ते हैं सोशल मीडिया पे, आम समाज में, चट्टी चौराहों पे, गांधी ने इस देश को क्या किया।